और डियर स्टूडेंट्स, एलिजाबेथन ड्रामा रिनेसां पीरियड में हमने पहला जो टॉपिक सेलेक्ट किया था वो ड्रामा के ऊपर है, एलिजाबेथन ड्रामा जिसे हम कहेंगे। और इसमें आज हम शेक्सपियर के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन पहले एक रिव्यू कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। ये लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था? तो एलिजाबेथन ड्रामा डिस्कस किया था, और एलिजाबेथन ड्रामा में सबसे पहले जो हमने देखा था वो अर्ली वर्क्स हैं कि कहाँ पे इंग्लिश जो है वो ड्रामा स्टार्ट होता है। इंग्लिश पहली कॉमेडी कौन सी है और इंग्लिश पहली ट्रेजेडी कौन सी है, ये कल हमने समझा। निकोलस यूडाल्स, रॉल्फ रॉयस्टर और थॉमस सैकवेल और नॉर्टन ने मिलकर लिखी थी कार्बोडक, तो ये पहली कॉमेडी और ट्रेजेडीज हैं। और ये भी हमने रूट्स में, तो पहले हमने ह्यूमनिज्म और रिनेसां और रिवाइवल ऑफ द लर्निंग, वो सारा बैकग्राउंड हम हमारे जेन में है। जो एक बड़ा ग्रुप था इस पीरियड के अंदर वो यूनिवर्सिटी विट्स कहलाता है। दे वर ए ग्रुप ऑफ ड्रामाटिस्ट एजुकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड लीडिंग स्टार वाज द मार्लो। बाकी नाम अगर मैं आपके सामने रखें तो लिली, ग्रीन, पील, लॉच और डैश है। इनके थोड़े थोड़े काम को हमने कल देखा। इम्पोर्टेंट लिली का जो काम है यूफियस, और साथ पे हम देखते हैं कम्पेस पे सैफोन, फाउ, एंटेमियन, मिडास, मिथोलॉजिकल और पेस्टोरल हैं इसके। और मास्क जो कोट एक स्पेक्टिकल है, उस तरह के ये ड्रामे लिखे जाते हैं। बाकी इनकी जो है बट प्रोज के साथ इंटरमिंगल करते हैं वर्ड्स को। मोस्टली उस टाइम पे रुझान था कि ड्रामा जो है वर्स में लिखा जाता था, बहुत बाद में जाके प्योर प्रोज में ड्रामा लिखना स्टार्ट हुआ, तकरीबन इब्सन के दौर से। तो यूफेमिज्म का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, बाद में हम इसके वर्क में देखेंगे, प्रोज के वर्क में भी इसको देखेंगे। लिली की जो स्पेशलिटी है वो यूफियस है। जॉर्ज पेल का जो है वर्क है वो कौन सा इम्पोर्टेंट है, कल हमने ये भी जाना। डेविड और बाथशीबा स्पेशली, और रेनमेंट ऑफ पेरिस। तो इसके बाद थॉमस केट की एक ही वर्क सबसे ज्यादा स्पेशल है, द स्पेनिश ट्रेजेडी, जिसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि इन्होंने इसको मॉडल किया था, शेक्सपियर ने बाद में इसको मॉडल किया। वो कौन सा है वो ज़ाहिर आप जानते हैं, नहीं जानते तो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है रॉबर्ट ग्रीन, और इनके जो दो वर्क्स हैं स्पेशली याद रखने के काबिल हैं या पूछे जा सकते हैं, फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे। तो इन ये सबसे ज्यादा इस वजह से फेमस है। इसके बाद हमने सबसे जो बेस्ट ड्रामाटिस्ट है यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर ओवरऑल, तो फिर एलिजाबेथन ड्रामा ट्रिस्ट हमारे सामने दो बड़े आते हैं, शेक्सपियर और मार्लो। और यूनिवर्सिटी वेट्स में हम देखते हैं कि मार्लो जो है वो लीडिंग स्टार है, सही तौर पे एक रेनेसांस स्पिरिट, रेनेसांस मैन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके उसका जो बहुत ही स्पेशल काम है वो है टेम्बरलेन, डॉक्टर फास्टस, या ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस उसका पूरा नाम है। और जो है ड्यू ऑफ द माल्टा, ठीक है, तीन बड़े प्ले हैं। वैसे तो सेवन प्लेज लिखे हैं, लेकिन तीन प्ले जो हैं मोस्टली उनका जिक्र आता है। ओके, फिर हमने थोड़ा कल यही ये जाना है, अभी हम रिव्यू में ही हैं, आज का लेक्चर भी स्टार्ट होने लगा है। वो मार्लो की कंट्रीब्यूशन क्या थी सिर्फ समझने के लिए, बाकी तो यहाँ इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या हो सकती है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के हवाले से है, कि इसके करेक्टर रेनेसां करेक्टर्स हैं, हीरोज जैगेंटिक हैं, हेरोइक ट्रेजेडीज एक लिहाज से लिख दी इन्होंने, हीरो को सेंटर में रखा। प्लॉट पे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उस उतना स्ट्रांग नहीं था, इसी वजह से तो हम इसे रोमांटिक जो है वो कहते हैं, एज मार्लो शेक्सपियर की वजह से। पैशन है, लाइफ है इनके अंदर, और ब्लैंक वर्ड्स को बड़े डेफ्टली यूज किया है इन्होंने। और इसमें अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी, डिग्निटी, पोएटिक ग्लू हमें नजर आता है, और शेक्सपियर के लिए एक पूरी तरह से एक रास्ता बनाते हैं। सो नो मार्लो नो शेक्सपियर, इसी वजह से कहा जाता है। तो आज का जो हमारा जो लीडिंग स्टार है
ओवरऑल इस गैलेक्सी ऑफ ड्रामा के अंदर, एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर, बल्कि इसे भी छोड़ दें, अगर ओवरऑल हम बात करें ड्रामा की और स्पेशली इंग्लिश ड्रामा की बात करें, उससे हटके भी बात करें, अगर ओवरऑल दुनिया में जो ड्रामे लिखे गए, तो भी मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट ड्रामाटिस्ट अगर आप चुनेंगे तो वो शायद शेक्सपियर ही होगा। और अगर इंग्लिश पूरे लिटरेचर की बात करें तो नॉन लिटरेचर के जो लोग हैं, जो केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स से, बायो से, जर्नलिज्म से, या हिस्ट्री से, या पॉलिटिक्स से, या किसी भी और ब्रांच ऑफ नॉलेज से बिलोंग करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि इंग्लिश लिटरेचर के किस बंदे को आप जानते हैं, तो वो एक ही जवाब आपको मिलेगा, वो है शेक्सपियर। यानी इस हद तक ये फेमस है। ओवरऑल लिटरेचर का अगर एक ही बंदा सेलेक्ट करना पड़े तो वो शेक्सपियर होगा। सो द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट वाज द शेक्सपियर, इन हूज हैंड्स द रोमांटिक ड्रामा रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स। हम इसे रोमांटिक ड्रामा इसलिए कहते हैं कि इसमें पूरी तरह से रोमांटिक की जो स्पिरिट है वो मौजूद है। आगे चल के क्लासिकल ड्रामा अलग से आएगा, और जो बाद में एक रोमांटिक एज प्रॉपर आएगी, ये इसको हम रेनेसां ऑल्डो एज कहते हैं, वो एक सेकेंड रोमांटिक एज भी हम इसे कह सकते हैं। एक एज वी डू नॉट नो much about his life, and it's certain that he did not have proper training and education as other dramatists of the period had. His stupendous achievement are an enigma to all scholars up to the present day. जैसे कल भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे इस पॉइंट के ऊपर कि मे बी मार्लो ने सारे ड्रामे लिखे, मे बी बेकन ने ये ड्रामे लिखे, या किसी और एक आथर के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन शेक्सपियर। और ये सारी कंट्रोवर्सी क्यों है? इस वजह से है कि उनकी अर्ली लाइफ के बारे में कोई बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और उसके उनके अपने काम के अंदर भी इतने नजर नहीं आते हैं। ठीक है, वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि काम को उन्होंने बिल्कुल अलग रखा है अपनी पर्सनैलिटी से। सो इट इज स्टिल अ मिस्ट्री हाउ कंट्री बॉय पुअर एंड अनएजुकेटेड, कहा जाता है कि छठी क्लास के बाद शेक्सपियर ने नहीं पढ़ा जो रिकॉर्ड मिला है, एंड हु केम टू लंदन इन सर्च ऑफ ऑड जॉब्स टू स्क्रेप लिविंग could reach such heights in dramatic literature. तो अजीब सा लगता है कि अनएजुकेटेड बंदा सिटी में आए और एक दुनिया का अजीम तरीन ड्रामेटिस्ट बन जाए। मॉडर्न डे रिसर्च जो साइंस और लॉजिक ये बात नहीं मानती, तो यकीनन इसके पीछे स्टोरी है। एंडोर विद द मार्वलस इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव माइंड ही कुड पुट न्यू लाइफ इनटू द ओल्ड फेमिलियर स्टोरीज एंड मेक देम ग्लो विद डीपेस्ट थॉट्स एंड टेंडरेस्ट फीलिंग्स। यकीनन एक बहुत इमेजिनेटिव पावर थी, क्रिएटिव माइंड रखते होंगे। दिस इज नो डाउट दैट शेक्सपियर वाज अ हाईली गिफ्टेड पर्सन, बट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग ही कुड नॉट हैव स्केल्ड सच हाइट्स इन स्पाइट ऑफ द मीगर मटेरियल वी हैव गॉट अबाउट हिज लाइफ। वी कैन सरमाइज दैट ही मस्ट हैव अंडरगोन प्रॉपर ट्रेनिंग। यकीनन जरूरी नहीं होता कि बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े तो ही एजुकेटेड होता है। एजुकेशन का ताल्लुक लाइफ के साथ है। कुछ लोगों के लिए ये दुनिया, ये कायनात ही सारी यूनिवर्सिटी है। वो हर दम सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हर जगह से सबक ले लेते हैं। ठीक है, वो सही मानों में स्टूडेंट होते हैं। तो शेक्सपियर भी कुछ ऐसा ही शख्स रहा होगा जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत डीप होगी, जो जो सारी दुनिया को ही यूनिवर्सिटी समझता था, और इसलिए उसने प्रॉपरली रस्मी तालीम तो नहीं हासिल की, फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं ली, लेकिन इनफॉर्मली हर लम्हा डीप ऑब्जर्वेशन से वो सीख लिया करता था। सो फर्स्ट एज एन एक्टर उसने कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे काम किया, छोटे मोटे काम किए, फिर एक्टिंग की, एंड सेकंड एज ए रिवाइजर ऑफ द ओल्ड प्लेस। थोड़ा सा जो कि पढ़ा लिखा था, बेसिक एजुकेशन आती थी, लिखना पढ़ना उस जमाने में 6-7 क्लासें पढ़ना भी बड़ी बात होती थी, और उसमें भी लोगों को एजुकेटेड ही समझा जाता था, इस लेवल के लोगों को भी। तो रिवाइजर ऑफ द प्ले बना, और बड़े प्ले राइट्स के साथ इसने काम किया होगा, एंड द लास्ट एन एज इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट। फिर इंडिपेंडेंट एक ड्रामाटिस्ट के तौर पे सामने आते हैं, जब अचानक से जो है वो कुछ थिएटर कंपनीज को पास जो है ड्रामाटिस्ट नहीं होते हैं। वो एक इनका पहला ड्रामा तो ऐसे सामने आता है कि जब मार्लो जो है वो इनकार कर देते हैं ड्रामा देने पर, तो थिएटर कंपनी के मालिक जो हैं वो हैरान है कि अब क्या किया जाए। तो उन्हीं का एक एक्टर जो है वो कहता है कि मैंने भी एक ड्रामा लिखा है, और ये है कि अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो आपकी कंपनी, आपने जो टिकट लोगों ने खरीद रखे हैं वो वापस करने पड़ेंगे पैसे, और मार्लो जो है वो ड्रामा देने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से वो
पहली बार जो है वह शेक्सपियर के ड्रामे को स्टेज किया जाता है, और लकीली वो बहुत कामयाब हो जाता है। ऑल्दो मार्लो के नेम से किया जाता है, ये अलग एक कंट्रोवर्सी रही। सो इनकी भी जो है ना एक नॉट अ फॉर्मल वे में एजुकेशन थी, बट इनफॉर्मल वे में खुद से जो है वो डीप ऑब्जर्वेशन, और जो कि डेवलप्ड माइंड थे, हाईली इमेजिनेटिव थे, क्रिएटिव थिंकिंग थी, तो खुद से उन्होंने रास्ता बना लिया और एज एन एक्टर अच्छे से काम किया, फिर रिवाइजर ऑफ द प्ले काम किया, और फिर इंडिपेंडेंट ड्रामा लिखा, और फिर लकीली उनको स्पेस भी मिल गई, और उसके बढ़कर मार्लो की अनटाइमली डेथ ने फिर इनको बहुत ज्यादा मौका दिया कि अब तो एक एक ही जीनियस रह गया था, तो वो शेक्सपियर बन गया। ही वर्क विद अदर ड्रामेटिस्ट एंड लर्न द सीक्रेट्स ऑफ दैट ट्रेड्स। ठीक है, तो ऐसा शख्स था जो लोगों से प्रैक्टिकली सीधा ही सीखता था, मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज लेने थे, इसने प्रैक्टिकली सीखा, और जो सीक्रेट्स हैं, जो ड्रामा लिखने की जो आर्ट है, उसको प्रैक्टिकली जब ड्रामाटिस्ट के साथ रह कर सीखा जा सकता है, जाहिर वो बड़ा डीप नॉलेज होगा। ही मस्ट हैव स्टडीड डीपली एंड ऑब्जर्व्ड माइन्यूटली द पीपल ही केम इन कॉन्टेक्ट विद। हिज ड्रामेटिक आउटपुट मस्ट देयरफॉर हैव बीन द रिजल्ट ऑफ हिज नेचुरल जीनियस एज वेल एज ऑफ हार्ड वर्क एंड इंडस्ट्री। तो कम्बिनेशन यहाँ पे बनता है, हम ये नहीं कह सकते कोई बिल्कुल ही कोई पैदा होते साथ ही एक ड्रामाटिस्ट था और उसे किसी तालीम की जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता। तो यकीनन वो एक बाय बर्थ एक डेवलप्ड माइंड लेके पैदा हुआ था, एक क्यूरियस माइंड लेके पैदा हुआ था, और मोस्टली बच्चे क्यूरियस ही होते हैं, आज की रिसर्च ने भी साबित किया है। और अक्सर क्या करते हैं कि हमारे इदारे जो हैं, स्कूल और हमारे जो स्कूलिंग है, जो अदर एजुकेशन है, ये इमेजिनेशन के पर काटती है, और बंदे जो है वो डल होना शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज मोस्टली जो है वो जीनियस और क्यूरियस ही पैदा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो बाय बर्थ एक डेवलप माइंड के साथ था, एक बेहतर एक स्किल थी, और ऑब्जर्वेशन डीप थी, माइन्यूटली सोचता था, और फिर उसे मौका भी मिल गया प्रैक्टिकली लोगों से सीखने का, और उसने अच्छे से फिर सीखा। सो ही लेफ्ट स्कूल, अगर छोटी सी बायोग्राफी है तो कोई नहीं, इसके बारे में ज्यादा मालूमात मिलती हैं, जो मिलती हैं मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ही लेफ्ट स्कूल प्रोबेबली एट 15 एंड 18, मैरिड एनी हाथवे, 8 years हिज सीनियर। ठीक है, 8 साल बड़ी थी एनी, जिसके साथ इनकी शादी हो गई जब ये 18 साल के थे, 15 साल में स्कूल छोड़ दिया, 18 साल में एक बड़ी लड़की के साथ इनकी शादी हो गई। एट द टाइम ऑफ द चर्च वेडिंग शी वॉज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड बोर्न इन 1583 एंड क्रिश्चियन। ठीक है, सुजाना इन 1585 एनी हैड ट्विंस हेमनत एंड जूलियत। जो पहले एक बेटी इनकी पैदा हुई सुजाना, और फिर उसके बाद इनके ट्विंस शेक्सपियर के पैदा हुए थे हेमनत एंड जूडिथ। ये हेमनत के नाम पे शायद हेमलेट के साथ सिमिलैरिटी भी है। बट नेक्स्ट वी हियर ऑफ विलियम इन 1592, ही इज इन द लंडन थिएटर, टैक्ट इन प्रिंट बाय अ यूनिवर्सिटी राइटर हु वांट्स अदर ग्रेजुएट्स अगेंस्ट एन अपस्टार्ट ग्रुप हु सपोजेस ही इज एज वेल एज एबल टू बम्बास्ट आउट ब्लैंक वर्ड्स एज द बेस्ट ऑफ यू। तो जब शेक्सपियर के ड्रामे सामने आए तो लोगों में ये बात फैल गई कि जनाब ब्लैंक वर्ड्स का एक और मास्टर आ गया है, सिर्फ आप लोग ब्लैंक वर्ड्स नहीं जानते, यूनिवर्सिटी वेट्स के लोग, और यूनिवर्सिटी वेट्स का जो बाकी ग्रुप था, मार्लो एक्सेप्ट मार्लो, मार्लो वाज वेरी सरप्राइज के कोई इतना अच्छा लिखने वाला हो सकता है, और बड़ा वो खुश था शेक्सपियर को, उसने अप्रिशिएट भी किया। और लेकिन जो है बाकी लोग जो है वो कुछ जेलस भी होते थे, और यही वजह है कि एक दफा क्लब के अंदर जब शेक्सपियर आता है तो राइटर यूनिवर्सिटी वेट्स के ही किसी राइटर ने उनसे पूछा था कि क्या समझते हो तुम अपने आप को, तो उसने शेक्सपियर ने रिप्लाई किया कि आई थिंक माई सेल्फ एज बर्ड। हाँ, उसने कहा हाँ तुम बर्ड तो हो लेकिन तुम क्रो हो। तो इस तरह उनके उनका मजाक बना और लोग उन्हें अपस्टार्ट क्रो कहने लग गए, लेकिन बाद में बर्ड से बार्ड ऑफ एवन मशहूर हुआ। वो बार्ड के मीनिंग अलग है, पोएट को कहते हैं। ग्लोब थिएटर के बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये वो थिएटर है जहाँ शेक्सपियर का ताल्लुक है। ही वॉज ए पार्टनर इन द लीडिंग कंपनी ऑफ एक्टर्स द लॉर्ड चैम्बरलेन्स। ठीक है, बाद में शेक्सपियर ना सिर्फ देखें एक एक जो है आप कह लें कि थिएटर बॉय से स्टार्ट किया, और उसके बाद वो एक्टर बनता है, और एक्टर के बाद वो प्ले रिवाइजर बनता है, रिवाइजर के बाद वो प्ले राइट बनता है, और फिर लीडिंग प्ले राइट
अल्टीमेटली। और इवन यहाँ भी शेक्सपियर नहीं रुका, चूंकि एक गरीब घराने से था तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की, और लॉर्ड चैम्बरलेन्स जो कंपनी थी, चैम्बरलेन्स मैन, वो उसको में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें पार्टनर बना। फाउंडेड इन 1594, इट वॉज ग्लोब थिएटर बिल्ड इन 1599। शेक्सपियर शेयर्ड इन द सबस्टेशनल प्रॉफिट ऑफ व्हाट इन 1603 बिकेम द किंग्स मैन। ये जो बाद में कंपनी है किंग्स मैन कहलाई, और ग्लोब थिएटर जो है वो ये लोग चलाते थे, आज भी मौजूद है लंदन के अंदर ग्लोब थिएटर। ठीक, शेक्सपियर के जो प्लेस थी जहाँ प्ले जो है स्टेज हुआ करते थे। 1596, विलियम सन हेमनत जो डाइड, तो उनके बेटे की डेथ होती है 1596 के अंदर, एज 11। इन 1597 विलियम बॉट द लार्जेस्ट हाउस इन द स्टैटफोर्ड न्यू पैलेस। तो ये अभी घर वापस जाता है, स्टैटफोर्ड के रहने वाले थे, तो बड़ा सा घर लेते हैं। 1601 हिज फादर डाइड। इन 1607 हिज डॉटर सुजाना मैरिड। शी बोर ए डॉटर इन द फॉलोइंग ईयर 1609। हिज मदर डाइड फ्रॉम 1610। ही स्पेंड मोर टाइम इन स्टैटफोर्ड। इन फरवरी 1616 हिज डॉटर जूडिथ मैरिड, एंड ऑन 23 अप्रैल 1616 ही डाइड। ही वॉज बैरिड इन द चैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी स्टैटफोर्ड। स्टैटफोर्ड एवन में ही इनकी आखिरी जो है प्लेस है। ये एक छोटी सी बायोग्राफी और प्लस इनका रिलेशनशिप विद द ग्लोब थिएटर। सो प्ले कैसे प्रिजर्व कैसे हुए इनके प्लेस। एट इज डेथ इन 1616 हाफ ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेस हैव बीन प्रिंटेड, बट इन 1623 टू ऑफ हिज फेलो एक्टर्स ब्रॉट आउट ए कलेक्टेड एडिशन 36 प्लेस इन ए बुक। पहली जो बुक आती है ना, 36 प्ले उसमें मौजूद थे, और ये 1623 में इसके दो फेलो एक्टर्स ने वो मिलके एक बुक जो है पब्लिश की थी, क्योंकि उससे पहले जो प्ले थे वो इंडिपेंडेंटली कह लें इंडिविजुअली पब्लिश हो चुके थे, लेकिन किसी एक जगह पे बुक फॉर्म नहीं थे। ये जो आपको यहाँ पे पिक नजर आ रही है साइड पे, ये वो पहली टाइटल है, पहली पहली बुक का टाइटल है ये, देखे ना, मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडी हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज। तो ये पहले एक कलेक्टेड वर्क है जो शेक्सपियर का पब्लिश हुआ, एक प्लेस पर। जो पहली बुक आई थी उसमें 36 प्ले थे। द लिटिल पेज ऑफ द फर्स्ट फोलियो विद द पोर्ट्रेट एनग्रेव्ड बाय द मार्टिन रसेल ऑफ नियरली 900 एंड डबल कॉलम पेज इन अ लार्ज फोलियो एंटाइटल्ड कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज। इंग्लैंड वुड स्टिल हैव हैड बाइबल, बट इफ शेक्सपियर्स फ्रेंड्स not printed his plays, half of them, including Macbeth and the Tempest, would have been lost. The folio is his true monument. तो ये जो first folio इनका publish हुआ, इस first collection को first folio भी कहते हैं। folio type of paper था वो, जो large paper जिस पे ये publish हुए थे, तो first folio इनको कहा जाता है, जिसमें 36 प्ले इनके fellows ने publish किए। और मजे की बात है कि अगर वो पब्लिश ना करते तो मैकबेथ और टेम्पस्ट जैसे कुछ और प्ले इस तरह से वेस्ट हो जाने थे, और पता भी नहीं चलना था कि शेक्सपियर ने कभी लिखे थे। तो इस तरह करके उनको सेव किया गया। सो द कैटलॉग ऑफ द फर्स्ट फोलियो ऑफ द शेक्सपियर प्ले, अगर आप वो देखें, लिस्ट देखें उनकी कैटलॉग को, गूगल करके भी आप देख सकते हैं। पब्लिश बाय हिज फेलो एक्टर्स हेमिंग्स एंड कॉन्डल इन 1623। ये वो उसके एक्टर थे, इनकी कंपनी में दोस्त थे, इनके कोलीग थे। इनकी डेथ के बाद जो है उन्होंने कलेक्टेडली इसको पब्लिश किया, इन विच 18 ऑफ द प्लेस वर प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट फोलियो में आप देख लें, कुछ प्ले तो पब्लिश हो चुके थे, आई मीन प्रिंट फॉर्म में थे, लेकिन एक एक करके जैसे थिएटर कंपनीज को जरूरत होती थी तो वो प्रिंट कर लेते थे। तो ये जो पहला फोलियो आया था इसमें 18 प्ले तो ऐसे थे जो सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में भी शेक्सपियर के हाथ के लिखे हुए थे, और फाइनली जो है उन्हें प्रिंट फॉर्म में लाया इन लोगों ने, इस बात का ख्याल किया कि जो है वो जाया ना हो काम। प्रिंटेड इन द फोलियो फॉर्मेट एंड कंटेनिंग 36 प्लेस। ठीक है, ये फर्स्ट फोलियो है। अगर सवाल ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट फोलियो जो 1623 में पब्लिश हुआ था, तो उसमें शेक्सपियर के कितने प्ले थे, तो उसका जवाब आपने लिखना है 36। सम ऑफ द इंडिविजुअल प्लेस हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड एंड वर कॉल्ड क्वार्टोस। ठीक है, क्वार्टो जो एडिशन है ना, अब फर्स्ट फोलियो एडिशन और क्वार्टो एडिशन में फर्क रखिएगा, वो भी पेपर की टाइप होती है, छोटे पेपर पे जाहिर वो पब्लिश होगा। तो क्वार्टो जो है उसके ऊपर
इंडिविजुअल प्लेज जो वहाँ पब्लिश हो चुके थे. मैनी ऑफ देम कंटेन्ड मिस्टेक्स. द फर्स्ट फॉलियो इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रू एंड द जेन्युइन रिटन वर्जन ऑफ द प्लेज. ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम थे. तो जब ये इन्होंने फर्स्ट फोलियो लाया इनके कोलीग्स ने, तो उसको काफ़ी इन्होंने एडिट भी किया और किसी कोशिश की कि कोई गलती ना हो, और जितना बेहतर ये लोग समझ सकते थे, शेक्सपियर के कोलीग थे, अच्छे से जानते थे, इन्होंने एक्टिंग की हुई थी उन्हीं के प्लेज के ऊपर, तो सही तरह से इन्होंने उसको जो है वो एडिट किया और प्रिंट किया. फोलियो जो है लीफ ऑफ पेपर को कहते हैं. अ प्रिंटर्स टर्म फॉर द लार्ज फॉर्मेट बुक मेड ऑफ द लीव्स ऑफ द 14 इंच बाय 20 इंच. ये इसका साइज होता है 20 बाय 40 बाय 20 इंच. तो आप देख सकते हैं वो बड़ी बुक बनेगी. फोल्डेड वंस टू मेक टू लीव्स 4 पेजेस इन ए क्वार्टो बुक. ईच लीफ इज फोल्डेड ट्वाइस मेकिंग 4 लीव्स. ठीक है, तो 8 पेज वो इकट्ठे करते हैं तो उसे क्वार्टो कहते हैं. तो ये 4 पेज का ग्रुप होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है. तो ये पेपर के साइज और उसकी टाइप पे डिपेंड कर रहा है क्वार्टो और फोलियो जो है. पर जो फर्स्ट फोलियो एडिशन उसको कहते हैं, जो इन्होंने मिलकर निकाला, तो 36 पेज उसमें पब्लिश किए. ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स. ये लाइन अक्सर कोट होती है, आप भी जानते ही हैं, काफी लोग तो यहाँ पे जा रहे हैं. शेक्सपियर के बारे में आपने पढ़ रखा है. द फोलियो इज प्रेफेस्ड बाय अ पोएम बाय बेन जॉनसन. तो इसका जो बेन जॉनसन है, इनके कॉन्टेम्प्री हैं, आगे उनके बारे में भी हमने पढ़ना है थोड़ा सा. और तो उन्होंने, यानी तीन बड़े हमारे को साथ होंगे, ड्रामाटिस्ट होंगे, वो मार्लो, शेक्सपियर और बेन जॉनसन बनेंगे. तो बेन जॉनसन जो है इनके किसी हद तक क्रिटिक भी रहे हैं, लाइफ टाइम के अंदर तो क्रिटिक थे, लेकिन जब इनकी फर्स्ट फोलियो जब पब्लिश हुआ तो बेन जॉनसन, शेक्सपियर की डेथ हो चुकी थी, और उस वक्त उन्होंने एक्नॉलेज किया इनके आर्ट को, इनके क्राफ्ट को. Into the memory of my beloved author, Mr. William Shakespeare, and what he hath left us, Johnson prefers Shakespeare to earlier English poets and the wishes he could show the tragedies to Aeschylus, Euripides, and Sophocles. तो कहते हैं काश कि मैं जो है ना शेक्सपियर के काम को दिखा सकता, एस्काइलस, यूरिपिडीज, सोफोक्लीज. तो यहाँ जेहन में रखना है, अपने बेन जॉनसन एक क्लासिकल राइटर थे, वो यूनिटीज को फॉलो करते थे, वो पोइटिक्स के असूलों के मुताबिक उन्होंने अपने ड्रामे लिखे, या एस्काइलस, यूरिपिडीज और सोफोक्लीज और एरिस्टोफेनीज के मुताबिक उन्होंने काम किया. ज्यादा तो उन्होंने चूंकि कॉमेडीज लिखी है, एरिस्टोफेनीज के मॉडल को फॉलो किया. तो उन्होंने एक पोएम भी साथ ऐड की थी, ऑफ ऑल दैट इंसुलेंट ग्रीस और हार्टी रोम. यानी इंसुलेंट ग्रीस और हार्टी रोम, यानी रोम और ग्रीस से कंपेयर करें. सेंट फोर्थ आर सिंस डेड फ्रॉम देयर एशेस कम ट्रायम्फ माय ब्रिटानिया दो हैस्ट वन टू शो टू होम ऑल सीन्स इन यूरोप होमेज ओ ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. शेक्सपियर हेल्ड एज स्वीट स्वान ऑफ एवॉन. ठीक है, और साथ ये भी कहा जाता है इनको स्वीट स्वान ऑफ एवॉन. तो ये जो है पोएम का बिल्कुल, ये जो ट्रिब्यूटरी एक पोएम है, वर्सेस लिखी हैं बेन जॉनसन ने अबाउट शेक्सपियर. तो उसकी बिल्कुल लास्ट लाइन है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई. और आज समटाइम ये यही लाइन दी जाती है और कहा जाता है कि आप पूरा ऐसे लिखें शेक्सपियर के ऊपर या बात करें शेक्सपियर के ऊपर. ये इंटरव्यू के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. सो वर्क्स ऑफ द शेक्सपियर अगर हम देखें, बिसाइड्स नॉन ड्रामेटिक पोइट्री कंसिस्टिंग ऑफ द टू नैरेटिव, जो बड़ी पोएम है वेनिस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ द लैक्रिस एंड 154 सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर. रोट राउंड ओवरऑल कहा जाता है 37 प्लेज लिखे थे शेक्सपियर ने. फर्स्ट फोलियो में आलू 36 पब्लिश हुए हैं. हिज वर्क एज ए ड्रामाटिस्ट एक्सटेंडेड ओवर सम 24 ईयर्स, बिगिनिंग अबाउट 1588 एंड एंडिंग इन 1612. ये इसका कैरियर है, ड्रामेटिक कैरियर, 24 साल में मोहित है, जहाँ पे आप रफली कह सकते हैं कि 37 प्लेस कुछ कोलैबोरेशन में लिखे गए हैं, तो काफ़ी ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कितने प्लेस लिखे हैं. हाउएवर आप 37 का एक फिगर जेन में रख सकते हैं, फर्स्ट फोलियो अगर ना लगा हो तो. फर्स्ट फोलियो नाम आ जाएगा तो फिर आपने 36 मार्क करना है, नहीं तो 37. दिस वर्क इज जनरली डिवाइडेड इन टू 4 पीरियड्स. तो हम इनके जो लाइफ के स्पैन है, 1588 टू 1612 तक इन्होंने प्ले लिखे हैं. आखिरी 4 साल उन्होंने प्ले नहीं लिखा, 1616 में इनकी डेथ होती है. तो हम 4 हिस्सों में इनके टाइम लाइन को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन 1577 टू 1993 तक, 1593
दिस वॉज द पीरियड ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड। अगर आप ईयर नहीं भी याद रखना चाहते तो भी मैटर नहीं करता, अर्ली प्लेस एक्सपेरिमेंटल प्लेस थे, एक्सपेरिमेंटल वर्क का कह लें आप, अर्ली प्लेस कह लें। तो दिस पीरियड बिलोंग टू द रिविजन ऑफ द ओल्ड प्लेस एज द थ्री पार्ट्स ऑफ द हेनरी सिक्स एंड द टाइटस एंड्रोनिकस इसमें आते हैं। एंड हिज फर्स्ट कॉमेडी इज लव्स लेबस लॉस्ट द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम। हिज फर्स्ट क्रॉनिकल प्ले रिचर्ड थ्री अ यूथफुल ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। इस ईरा के अंदर इन्होंने ये वाला काम किया है, रोमियो जूलियट तक रिचर्ड थ्री भी इन्होंने लिखा, कुछ कॉमेडीज लिखी हैं, लेकिन इन सारे प्लेस को कहा जाता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है। बहुत ज्यादा ये उस मेयार पे पूरे नहीं उतरते, शेक्सपियर के अपने मेयार पे, वैसे तो शेक्सपियर ने लिखे हैं गोल्डन वर्ड्स हैं उसके, लेकिन उसके अपने ही काम से जब हम कंपेयर करते हैं तो ये थोड़े हमें एक्सपेरिमेंटल लगते हैं, थोड़े लूज लगते हैं। तो इनको जब आप याद रखेंगे तो ये इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। फिर नेक्स्ट है 1594 से 1600 तक, तो द सेकंड पीरियड बिलोंग शेक्सपियर द ग्रेट कॉमेडीज एंड द क्रॉनिकल प्लेस। अर्ली एक्सपेरिमेंटल के बाद उनकी स्टेज आती है जब उन्होंने कॉमेडीज अदर रिफाइंड किस्म की थोड़ी कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेस हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं। रिचर्ड टू, किंग जॉन्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर पार्ट वन एंड द टू एंड हेनरी फिफ्थ, The Taming of the Shrew, The Merry Wives of the Windsor, Much Ado About Nothing, As You Like It, and The Twelfth Night. अब ज्यादा देख रहे हैं कॉमेडीज हैं, Taming of the Shrew, Wives of the Windsor, Much Ado About Nothing, As You Like It, Twelfth Night, ये सारी इसमें फॉल कर रहे हैं। These plays reveal Shakespeare's great development as a thinker and technician. They show the maturity of his mind and art. यहाँ इसका जो आर्ट है वो डिवेलप हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, पहले फेज से एक्सपेरिमेंटल फेज से ये बेहतर काम है। और उसके बाद उनका फेज है 1601 टू 1608, यहाँ पे इन्होंने ट्रेजिडीज लिखी हैं और ये इनका सबसे मैग्नम ओपस कहलाता है, ये ईरा जो है इनका सबसे रिफाइन वर्क है। इन द थर्ड पीरियड बिलोंग टू द शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज एंड सोम्बर एंड बिटर कॉमेडीज। अगर इसमें कॉमेडीज हैं तो वो बड़ी बिटर है, वो लाइट कॉमेडीज नहीं है जो अर्ली हमने देखी है, आर्टिस्टिक कॉमेडीज नहीं है, बल्कि बिटर को यानी उसमें भी ट्रेजिक एक एलिमेंट हमें नजर आते हैं। दिस इज हिज पीक पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन। ही इज मोर कंसर्न्ड विद द डार्क साइड ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव पैशन। यहाँ शेक्सपियर अपने आके हम देखते हैं कि रियालिटी को अंडरस्टैंड करता है, यहाँ रियलिस्ट हो जाता है, बड़ी डार्क साइड को एक्सप्लोर करता है, पैशन और डिस्ट्रक्टिव साइड जो है ह्यूमन बींग की उसको एक्सप्लोर करता नजर आता है। इवन इन द कॉमेडीज द टोन इज ग्रेव एंड देयर इज अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इविल। द प्लेज ऑफ दिस पीरियड अगर आप देखते हैं वो बनते हैं जूलियस सीजर, मैच्योर वर्क जो है। हमने कोशिश की है कि इनमें ज्यादातर जो है वो ले आपके पास हों, यकीन जूलियस सीजर प्रेजेंटेशन के लिए, हम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन। जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेयर फॉर मेयर, ट्रायल्स एंड क्रिसेडा, आपको ट्रायल्स एंड क्रिसेडा याद होगी कि एक पोइम भी थी, किसने लिखी थी, चलिए यार थोड़ी देर बाद आपसे पूछते हैं। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंथनी एंड कैलोपेट्रा, कोरियोलेनस एंड द टिमन्स ऑफ एथेंस। तो ये इस पीरियड में इन्होंने तख्लीक की और इसमें जो चार बड़ी ट्रेजिडीज जैसे जैसे कहते हैं हैमलेट है, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ कहा जाता है, ये बहुत बड़े काम हैं। और हिस्टोरिकल प्लेज में जूलियस सीजर और एंटनी एंड कैलोपेट्रा, इसका एक बड़ा मुकाम है। और इनका जो लास्ट फेज है द फोर्थ पीरियड है 1608 से लेकर 1612 तक जाता है, उसके बाद इन्होंने प्ले नहीं लिखे। द फोर्थ पीरियड बिलोंग टू द लेटर कॉमेडीज एंड द ड्रामेटिक रोमांसेस। अब इन्होंने जो लास्ट फेज है, जैसे अर्ली फेज में एक्सपेरिमेंट किए थे और सेकंड फेज में बड़ी रिफाइंड कॉमेडीज लिखी है लाइट किस्म की, और तीसरी फेज में बड़ी जो है वो कॉमेडी लिखी है तो वो भी डार्क है, और ट्रेजिडीज लिखी है और ईवल और डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लोर किया है। तो बिल्कुल लास्ट फेज में ना अब उनका मूड फिर चेंज हो जाता है और ये कॉमेडीज और ड्रामेटिक रोमांसेज लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें कॉमेडी और ट्रेजिडी मिक्स करते नजर आते हैं। हियर द क्लाउड सीन्स टू हैव बीन लिफ्टेड एंड शेक्सपियर इन अ चेंज्ड मूड। Though the tragic passions still play their part as in the third period, the evil is now controlled and conquered by good. ठीक है, अब good लगता है evil को conquer कर चुका है, और good और evil के tussle में good जो है victorious हमें नजर आता है। The tone of the plays is gracious and tender and there is a decline in the power of expression and thought. थोड़ा सा critic कहते हैं यहाँ
कि उनकी जो पावर एक्सप्रेशन है यहाँ वो अब वीक हो रहा है, उनकी क्रिएटिविटी वीक हो रही है. द प्लेज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर सिंबलाइजिंग द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल एंड विच विल कंप्लीटली रिटन इन द कोलैबोरेशन विद अदर ड्रामेटिस्ट. कहा जाता है कि आखिरी जो फेज है उन्होंने वो लोगों के साथ मिलकर काम किया, लगता है किसी को ट्रेंड कर रहे थे, कुछ और लोगों को सिखा रहे थे तो उनके साथ मिलकर काम किया है. तो ये शायद इनके प्ले हैं ही नहीं, प्योर नहीं इनके प्ले हैं. लेकिन जो लास्ट प्ले है ना वो है द टेम्पेस्ट कहा जाता है, जिनका आखिरी प्ले है शेक्सपियर का. तो विंटर्स टेल आप लोग मैंने जैसे दी है, या टेम्पेस्ट में आप देखेंगे कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट हम इन सारे सिंबल हैं. तीनों प्लेज में ना एक रोमांसिस की तरह हमें नजर आएंगे, एडवेंचरस होंगे, प्रॉब्लम होंगे तो एंड पे वो रिजॉल्व हो जाएंगे. सिस्टम ऑफ फिलोसफी पे सवाल पूछा जा सकता है, ऑल्दो यहाँ तो नहीं आपके आएगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, ये इंटरव्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. द प्लेज ऑफ द शेक्सपियर आर सो फुल ऑफ कंट्रडिक्टरी थॉट्स कि हमें इसमें मुसलसल कंट्रडिक्शन मिलती हैं. एक्सप्रेस सो कन्विंसिंगली इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट अ सिस्टम ऑफ फिलोसफी आउट ऑफ देम. जैसे हम अदर राइटर्स के बारे में कहते हैं ना प्योरली, जैसे बर्नर्ड शॉ को हम कह देते हैं कि वो एक मार्क्सिस्ट प्ले राइट हैं, क्लियरली वो अनाउंस भी करते हैं कि मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ और कैपिटलिज्म के वो खिलाफ लिखते हैं. इसी तरह कुछ और प्ले राइट को कहेंगे वो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं, किसी को हम कहेंगे ये पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं. तो कोई ना कोई सिस्टम ऑफ फिलासफी जो है वो बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं. लेकिन शेक्सपियर के प्लेस की खास बात यह है कि अगर हम इनके 37 प्लेस सामने रख के बैठ जाएं तो किंग लियर में तो हमें लगेगा कि ये एक एब्सर्ड प्ले है, ठीक है. कहीं पे हमें लगेगा कि ये तो ट्रेजिक कॉमिक एलिमेंट विंटर्स टेल में ये तो मिक्स करते हैं, बड़ी लाइट किस्म की ट्रेजिडी लिखी जाती है. कहीं हमें मैकबेथ में लगेगा कि ये क्रिश्चियन जो गिल्ट और सिन और सफरिंग के थीम को एक्सप्लोर करते नजर आते हैं. तो कोई भी सेट जो है इनका, कोई सिस्टम ऑफ फिलॉसफी आप निकालना बहुत मुश्किल है. ईच ऑफ हिज कैरेक्टर्स फ्रॉम किंग टू द क्लाउन, फ्रॉम द मोस्ट हाईली इंटेलेक्चुअल टू द सिंपलेस्ट मैन, जजेस लाइफ फ्रॉम हिज ओन एंगल्स एंड अटर्स समथिंग व्हिच इज सो प्रोफाउंड एंड एप्रोप्रिएट दैट इट इज दैट वन इज एस्टोनिश्ड एट द प्ले राइट्स वर्सटैलिटी ऑफ द जीनियस. तो इतने वर्सटाइल, इतने स्टाइलिश और इतने जीनियस हैं कि अपने क्या कहा यह जाता है कि शेक्सपियर ने कभी कोई प्ले रिपीट नहीं किया, ठीक है. 37 प्ले लिखे, पोइम्स भी लिखी हैं, सोनेट्स भी लिखी हैं. कहा जाता है कि शेक्सपियर ने एक काम को दोबारा नहीं किया. ये नहीं कि एक ही उन्हें चीज आ गई है तो हर काम में वही चीज नजर आती चली जाए. तो शेक्सपियर के डायलॉग जो है वो नहीं आपको मैच करते नजर आएंगे, उनके थीम नहीं मैच करते नजर आएंगे, उनके सिस्टम और फिलोसफी जो है वो जो थीमेटिक पैटर्न है वो भी आपको डिफरेंट मिलेगा हर प्ले के अंदर. और इनका जो स्टाइल और वर्सिफिकेशन आर द हाईएस्ट ऑर्डर. ही वाज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज बट आल्सो द फर्स्ट पोएट ऑफ द डे एंड नन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. इसी वजह से इनको कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है, क्योंकि ये हर देखिए टाइम भी तो टेस्ट करता है, तो उसको भी देखें तो कितने सदियां गुजर चुकी हैं और शेक्सपियर जो है स्टिल रेलिवेंट है और हर जगह पे हर जबान में ट्रांसलेट हो चुका है इनका काम, और हर कंट्री में तकरीबन पढ़ाया जाता है जहां पर भी ड्रामा लोग पढ़ते और देखते और समझते हैं. तो इसके बारे में एक और हम कह सकते हैं कि ही वाज अ प्योर ड्रामेटिस्ट. प्योर ड्रामेटिस्ट वो होता है जो आर्ट की तरफ जाता है, जो क्राफ्ट की तरफ जाता है, जो आपको ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाता है और प्रोपोगेट नहीं करता, नथिंग बट डिलाइट, प्रोपोगेटिंग नथिंग बट डिलाइट, ठीक है. His plays are full of a large number of the exquisite songs and his sonnets glowing with the passion and sensitiveness to the beauty reach the high watermark of the poetic excellence in English literature. तो अगर आप इनके प्लेस को तोड़े और इन्हें ब्रेक करें तो आप स्मॉल स्मॉल आपको पोएम्स के अंबार लग जाएंगे, और अगर आप इनकी पोएम्स को तोड़ें तो आपको लाइनों में जो है वो यूनिवर्सल विजडम मिलेगा और आपको एपिग्राम्स मिलेंगे और मैगजम्स के का एक खजाना मिल जाएगा. इन हिज प्लेस देयर इज अ फाइन commingling of the dramatic and the lyric elements, words and the images seem to flow from his brain spontaneously and that they are clothed in a style which can be called perfect style. Okay. बहुत से राइटर हैं जो शेक्सपियर बनना चाहते थे. जॉन कीट्स की हमेशा डिजायर थी कि काश वो शेक्सपियर बन सकते और वो